हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एकेडमी। इस वीडियो में हम करंट अफेयर रिवीजन करेंगे, जो कि जनवरी 2023 से अगस्त 2023 तक के करंट अफेयर को लिया गया है और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन हैं और ये करंट अफेयर रिवीजन का सेट नंबर 1 है। यह वीडियो आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होने वाला है। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एकेडमी पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाता है तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। और पीडीएफ और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर दिया गया है, मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं पी वीरमुथुवेल जो हैं चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर कौन हैं? चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर हैं मोहन कुमार। ये क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि चंद्रयान कब लॉन्च किया गया और चंद्रयान का जो लैंडिंग डेट है ये क्या हुआ। तो चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया था, ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और चंद्रयान 3 पहुँचा था 23 अगस्त 2023 को, यानी लैंडिंग जो डेट है 23 अगस्त 2023 है और लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। चंद्रयान 3 को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया? चंद्रयान 3 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, यहाँ से इसको लॉन्च किया गया। और रॉकेट का नाम क्या था? रॉकेट का नाम था LVM लॉन्च व्हीकल Mark 3। लैंडर का नाम है विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान। इसमें एक जो महिला है जिसे कहा जाता है रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया, डॉक्टर रितु करिधल, ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, तो आपको इनका नाम याद रखना है कि रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया जो है रितु करिधल है। और रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर के सिवान। और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। और मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है टेसी थॉमस को। तो ये इतने फैक्ट आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी है? तो भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी गई है अमित शाह के द्वारा कुरनूल आंध्र प्रदेश में। अब आपको कुछ जो प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं उनके नाम आपको याद रख लेने हैं। जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी की अगर बात करें तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की है और ये विश्व की सबसे लंबी स्टैचू है, जिसकी लंबाई 182 मीटर है और फीट में बात करें तो 597 फीट है। और ये कहाँ पे है? साधु बेट सरदार सरोवर डैम गुजरात में है। और किसके द्वारा निर्मित किया गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी को? ये राम सुतार द्वारा निर्मित किया गया है। अभी हाल ही में स्टैचू ऑफ बिलीफ यानी कि विश्वास स्वरूपम, जो कि भगवान शिव का ये स्टैचू है, ये स्थापित किया गया है नाथद्वारा राजस्थान में और ये विश्व की सबसे लंबी बैठी हुई प्रतिमा है, यानी कि वर्ल्ड टॉलेस्ट सिटिंग स्टैचू है, जिसकी लंबाई 112.4 मीटर है और फीट में बात करें तो 369 फीट है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को स्थापित किया गया है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी स्थापित किया गया संत रामानुजाचार्य को, जो कि हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित किया गया है और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी सिटिंग स्टैचू है, यानी बैठी हुई प्रतिमा है, जिसकी लंबाई 65.8 मीटर है और फीट में बात करें तो 216 फीट है। तो अगर भारत की सबसे लंबी बैठी हुई प्रतिमा कौन है तो वो है विश्वास स्वरूपम भगवान शिव की है और विश्व की भी ये सबसे लंबी बैठी हुई प्रतिमा है। और दूसरे नंबर पे है भारत का जो सबसे बैठी हुई प्रतिमा, यह है संत रामानुजाचार्य की, जो कि हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित किया गया है। स्टैचू ऑफ पीस ये किसकी प्रतिमा है? ये है आचार्य श्री वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज की, जो कि 27 फीट ऊंची है
और ये राजस्थान के पाली जिले में जैतपुरा में स्थापित किया गया है। स्टैचू ऑफ नॉलेज जो कि डॉक्टर वी आर अंबेडकर की ये मूर्ति है और ये 70 फीट ऊंची है और ये कहाँ पे स्थापित किया गया है, लातूर महाराष्ट्र में। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किसका है, ये श्री नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा का है जो कि बेंगलुरु में है। नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा जो है बेंगलुरु के फाउंडर हैं, इसीलिए इनकी ये प्रतिमा स्थापित की गई है और ये 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। अगला क्वेश्चन, अगला है पंचमुखी हनुमान स्टेट यानी कि स्टैचू, पंचमुखी हनुमान स्टैचू यानी कि पांच मुख वाले हनुमान की प्रतिमा ये जो स्थापित की गई है कर्नाटक में है और ये विश्व की सबसे पांच मुख वाली हनुमान की प्रतिमा है। 108 फीट लंबी हनुमान की प्रतिमा लगाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मोरबी गुजरात में और ये जो प्रतिमा लगाई गई है ये हनुमान जी चार धाम परियोजना के अंतर्गत लगाया गया है और देश भर में चारों दिशाओं में ये प्रतिमा लगाई जाएगी और ये जो प्रतिमा लगाई गई है ये दूसरी प्रतिमा है। पहली जो प्रतिमा लगाई गई थी ये उत्तर में 2010 में हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थापित किया गया था। तीसरी जो प्रतिमा लगाई जाएगी ये दक्षिण में तमिलनाडु के रामेश्वर में स्थापित की जाएगी और जो अंतिम जो प्रतिमा होगी ये पूरब में पश्चिम बंगाल में स्थापित की जाएगी। मुथुमलाई मुरुगन की प्रतिमा जो लगाई गई है ये भगवान मुरुगन की है जो कि विश्व की सबसे ऊंची मुरुगन प्रतिमा है। इसकी लंबाई 146 फीट है और ये सलेम तमिलनाडु में स्थापित है। भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा वाली जो प्रतिमा बना है ये बोध गया बिहार में बना है। 100 फीट लंबा है और 30 फुट ऊंचा है और ये बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय कल्याण मिशन के द्वारा निर्मित किया गया है जिसके वास्तुकार हैं मिंटो पॉल। इंडिया गेट पर नेताजी की 28 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम जू की मूर्ति लगाई गई है और ये 30 फीट ब्रांज प्रतिमा है और अल्लूरी सीताराम राजू जो हैं ये स्वतंत्रता सेनानी हैं। तो इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी थी, इनके बर्थ एनिवर्सरी पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू जी की मूर्ति लगाई गई है जो कि 30 फीट की है और ये ब्रांज की प्रतिमा है यानी कांस्य प्रतिमा है। अगला क्वेश्चन है दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा। युगे युगीन भारत जो कि दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम होगा ये नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में डॉक्टर आपके गांव में पहल शुरू की गई है। डॉक्टर आपके गांव में पहल शुरू की गई है जम्मू कश्मीर में। अमा पोखरी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। ये जल निकायों के पुनर्निर्माण के लिए शुरू की गई है तो ये उड़ीसा में शुरू किया गया है। ऑपरेशन सदन रेडीनेस 2023 नामक बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा अभियान किस देश में हुआ है जहां भारतीय युद्धपोत INS सुनैना ने हिस्सा लिया है। तो ये हुआ है सेशल्स में। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन यानी कि फूड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन के दूसरी बार महानिदेशक कौन बने हैं। तो FAO के दूसरी बार महानिदेशक बने हैं क्यू डोंगयू। अगला क्वेश्चन है ICC वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो ICC वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भारत में किया जाएगा 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक। किस भारतीय एक्टर को ICC वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ICC वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शाहरुख खान। एलन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी शुरू की है, इसका नाम क्या रखा गया है। तो इसका नाम रखा गया XAI यानी एक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एलन मस्क जो है स्पेस एक्स कंपनी के संस्थापक और CEO है। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने पूरे देश में E20 प्रणाली लागू करने का लक्ष्य कब तक तय किया है। तो ये 2025 तक जो है E20 ईंधन प्रणाली का लक्ष्य कंप्लीट हो जाएगा।
फसलों को आवारा जानवरों से बचाने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, और ये फसलों को आवारा जानवरों से बचाने के लिए किया गया है। वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किन दो देशों में शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है, यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियंस की रिकवर कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये पहले जो भारतीय बने हैं रिकवर कैटेगरी में, इन्होंने गोल्ड जीता है, इनका नाम है पार्थ सालुंखे और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तो इनका नाम और ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं ये आपको याद कर लेना है, और किस किस में इन्होंने गोल्ड जीता है। तो यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप के रिकवर कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। किस राज्य ने कुंवारों और विदुर के लिए पेंशन योजना शुरू की है? तो ये स्टेट है हरियाणा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा ढोलक को जीआई टैग दिया गया है, यह ढोलक उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनता है? तो ये अमरोहा में बनता है। सबसे तेज बैडमिंटन स्मैश का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये बनाया सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने। इंडोनेशिया ओपन 2023 सुपर 1000 का खिताब पहली बार किस भारतीय जोड़ी ने जीता? तो इंडोनेशिया ओपन 2023 सुपर 1000 का खिताब पहली बार जीता है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष युगल कौन है? तो ये हैं सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। कभी कभी ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध जो है बैडमिंटन से है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं नवीन पटनायक, ये उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और इनका कार्यकाल 23 साल 139 दिन तक हो गया है। भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन हैं? तो भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं पवन कुमार चामलिंग, ये सिक्किम के पूर्व सीएम हैं, इनका कार्यकाल था 24 साल 166 दिन और ये 1994 से 2000 तक इनका कार्यकाल रहा। अगला क्वेश्चन है, कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की वर्ष 2023 की महान प्रवासियों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये हैं अजय बंगा, जो वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल शतरंज लीग का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? ग्लोबल शतरंज लीग का पहला संस्करण आयोजित हुआ है यूएई में, और विजेता टीम कौन है? विजेता टीम है त्रिवेणी कंटिनेंटल किंग्स। त्रिवेणी कंटिनेंटल किंग्स जो है ग्लोबल शतरंज लीग की विजेता टीम है और इसका आयोजन किया गया है दुबई में। बिहार राज्य महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अश्वमेघ देवी जो है बिहार राज्य की महिला आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये बने हैं आदित्य यश सामंत, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। टाटा स्टील के सीईओ और प्रबंध निदेशक दूसरी बार कौन बने हैं? तो ये बने हैं टीवी नरेंद्रन। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में अनुसूचित जाति के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है मध्य प्रदेश। भारत अब से 23 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाएगा? तो ये मनाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। महिला समानता दिवस वुमेन इक्वालिटी डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो महिला समानता दिवस हर साल मनाया जाता है 26 अगस्त को। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। विश्व हेपेटाइटिस दिवस का 2023 में जो थीम है वन लाइफ वन लाइनर है, वन लाइफ वन लीवर है। विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 जुलाई को, और विश्व मस्तिष्क दिवस 2023 का थीम है मस्तिष्क स्वस्थ और विकलांगता किसी को पीछे ना छोड़े। किस देश ने जुलाई 2023
23 में लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये जो देश है रूस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किस राज्य में भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक आर्क को खोजा गया है? तो ये खोजा गया है ओडिशा में। और एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज किस स्टेट में किया गया है? तो ये ओडिशा में किया गया है। और ये कहाँ पे? सुंदरगढ़ जिले के केंदुआ डीह ब्लॉक में सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो तमिलनाडु ने जीता है, तमिलनाडु ने हरियाणा को हराया है। और फाइनल जो मैच है ये खेला गया है अमृतसर के गुरु नानक स्टेडियम में। अगला क्वेश्चन है, किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार अवार्ड ऑफ मेरिट मिला है? तो ये मिला भायखला रेलवे स्टेशन जो कि मुंबई में है। बैडमिंटन टूर्नामेंट कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है लक्ष्य सेन ने। लक्ष्य सेन अल्मोड़ा के रहने वाले हैं जो कि उत्तराखंड में हैं। और उप विजेता हैं ली सिंग फेन जो कि चीन के रहने वाले हैं। तो बैडमिंटन टूर्नामेंट कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है लक्ष्य सेन ने। और लक्ष्य सेन ने हराया ली सी फेंग को। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को। भारत ने ब्राजील में आयोजित विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो टोटल भारत ने 9 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो किस भारतीय ने जीता है? ये जीता आर प्रगनंदा ने। आर प्रगनंदा ये चेन्नई के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भूजल कानून लागू किया है? तो टोटल 21 राज्यों में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भूजल कानून लागू किया है। किस राज्य सरकार ने मेगा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने मेगा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका नौसेना की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? ये बनी है एडमिरल लीसा फ्रेंचेटी। हाल ही में कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब स्वीडन में गोथिया कप जीतने वाला पहला भारतीय क्लब बना है? तो ये जो क्लब है मिनर्वा अकादमी क्लब। पीएम मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में पुनर्निर्मित इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है भारत मंडपम। वित्त वर्ष 2022-23 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कितने मजदूरों के नाम हटाए गए हैं? तो टोटल 5.18 लाख मजदूरों के नाम हटाए गए हैं। जनवरी से जून 2023 तक कितने लोगों ने भारत को छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता ली है? तो टोटल 87,000 लोगों ने भारत को छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता ली है। पूर्व विकेट कीपर ब्रायन टेबर का जुलाई 2023 में निधन हो गया है, यह किस देश से संबंधित थे? ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित थे। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में सिनेमेटोग्राफी विधेयक 2023 पेश किया है, इसमें पायरेटेड कॉपी बनाने वाले व्यक्ति को कितने साल की सजा का प्रावधान है? तो 3 साल के सजा का प्रावधान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किस भारतीय को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर दिया है? तो
ये दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जून 2023 में मिस्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड का नाम क्या है? तो ऑर्डर ऑफ नील जो दिया गया है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, जो कि मिस्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता को वर्ष 2023 में फिजी का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी मिला है? तो ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगहू से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है पापुआ न्यू गिनी, जो कि कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगहू है। ये पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पलाऊ गणराज्य के एबाकल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? एबाकल अवार्ड से सम्मानित किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी को। अगला क्वेश्चन है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। दूसरा, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया आशा भोसले को। पहला दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो दिया गया था 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। पहले भारतीय कौन है जिन्हें सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार, मिला है? तो ये मिला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022-23 का पुरस्कार किसने जीता है? तो पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022-23 का पुरस्कार जीता है लालियान जुआला चांगते, लालियान जुआला चांगते, जो कि मिजोरम के निवासी हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022-23 का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है मनीषा कल्याण ने। लुसाने डायमंड लीग 2023 किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? लुसाने डायमंड लीग 2023 को जीता है हमारे जेवलियन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने, और नीरज चोपड़ा पानीपत हरियाणा के रहने वाले हैं। लगातार दूसरी बार डायमंड लीग 2023 जेवलिन थ्रो का खिताब किसने जीता है? दूसरी बार डायमंड लीग 2023 जेवलिन थ्रो का खिताब जीता है नीरज चोपड़ा ने। वर्ल्ड एथलेटिक्स मेंस जेवलिन रैंकिंग 2023 में नंबर वन खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बने हैं नीरज चोपड़ा। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है भारत ने। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का जो आयोजन किया गया है कोरिया गणराज्य के बुसान शहर में किया गया है। विजेता बना है भारत, भारत ने हराया है ईरान को। FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 की चैंपियन टीम कौन बनी है? ये बनी है नीदरलैंड। दूसरे विश्व युद्ध में लड़ने वाले किस पूर्व भारतीय सैनिक को ब्रिटिश पीएम ने पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड दिया है? तो ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने राजेंद्र सिंह भट्ट को पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड दिया है, और राजेंद्र सिंह भट्ट दूसरे विश्व युद्ध में लड़ने वाले पूर्व भारतीय सैनिक थे। शंघाई सहयोग संगठन का नौवां स्थायी सदस्य कौन सा देश बना है? शंघाई सहयोग संगठन का नौवां स्थायी देश बना है ईरान। शंघाई सहयोग संगठन 2023 के दौरान किस शहर को वर्ष 2023-24 में सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? तो ये अल्माटी शहर है, जो कि कजाकिस्तान का शहर है। तो इसे SCO द्वारा 2023 के दौरान 2023-24 में सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। और 2022-23 के लिए कौन सा शहर घोषित किया गया था सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में? तो ये भारत का वाराणसी है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है। राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है?
राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है एस फांगनून कोन्याक को। एस फांगनून कोन्याक को राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020, जिसे 2023 में जारी किया गया है, इसमें भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो इसमें भारत को 10वीं स्थान पर रखा गया है। और ध्यान देना, ये साइबर सुरक्षा जो सूचकांक 2020 का है और 2023 में ये जारी किया गया है। वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को 126वां स्थान मिला है। और टॉप थ्री कंट्री हैं कौन कौन से? पहले स्थान पे आइसलैंड, दूसरे पे डेनमार्क, तीसरे पे है आयरलैंड। विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? भारत 67वें स्थान पे है और पहले स्थान पे है स्वीडन। किस शहर के पुलिस ने देश में पहली बार पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया है? तो ये चेन्नई की पुलिस है जो कि पहली बार पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? भारतीय महिला क्रिकेट टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला खिलाड़ी बनी है उमा छेत्री। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष बनाया गया है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के नए अध्यक्ष बने हैं टी राजा कुमार। Formula 1 चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल किसने जीता है? ये जीता है मैक्स वेरस्टपेन, जो कि रेडबुल के कार रेसिंग ड्राइवर हैं। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 किस देश की टीम ने जीता है? ये जीता है भारत की टीम ने। नाटो का महासचिव लगातार तीसरी बार कौन बने हैं? जेंस स्टोलेनबर्ग नाटो के महासचिव लगातार तीसरी बार बने हैं। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आधव अर्जुन बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। ग्रीस की दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो किरियाकोस मितो मित्सोताकिस किरियाकोस मित्सोताकिस ग्रीस के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन ने महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को पुरुष के बराबर पुरस्कार देने का लक्ष्य 2023 तक रखा है? तो ये है ICC यानी इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को पुरुष के बराबर पुरस्कार राशि देने का लक्ष्य 2030 तक रखा है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में पहला स्थान किस देश ने हासिल किया है? तो ये जापान है जो कि पहला देश हासिल किया है। जापान ने कुल 37 पदक जीते हैं, जिसमें 16 गोल्ड है, 11 सिल्वर है और 10 कांस्य हैं पदक हैं। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत तीसरे स्थान पर रहा और भारत ने कुल 27 मेडल जीता, जिनमें 6 गोल्ड हैं, 12 सिल्वर हैं और 9 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में किया गया है। नीति आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार वर्ष 2015-16 से 2019-21 के बीच में कितने लोग गरीबी से बाहर निकले हैं? तो टोटल 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी का निधन हो गया है? ओमान चांडी, जो कि केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। और ये केरल के पूर्व मुख्यमंत्री के साथ साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी थे। और ओमान चंडी 2 बार केरल के मुख्यमंत्री रहे हैं। एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन के बेस्ट एशियन अंडर 20 वाले एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये पहले भारतीय बने हैं सेल्वा प्रभु तिरुमरन। सेल्वा प्रभु तिरुमरन जो हैं एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन के बेस्ट एशियन अंडर 20 वाले एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। और सेल्वा प्रभु तिरुमरन ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं।
दक्षिण कोरिया के चांगउन शहर में आयोजित ISSF वर्ल्ड जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप 2023 में अभिनव साहू और गौतम भनोट की भारतीय जोड़ी ने कौन सा मेडल जीता है? तो अभिनव साहू और गौतम भनोटी की जोड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है। किस पड़ोसी देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने संन्यास ले लिया है और अगले ही दिन वहां के पीएम के कहने पर फैसला वापस ले लिया है? तो ये बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है तमीम इकबाल। भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास नॉमेडिक एलिफेंट आयोजित हुआ है? तो भारत और मंगोलिया के बीच जो है सैन्य अभ्यास जिसका नाम है नॉमेडिक एलिफेंट, ये आयोजित हुआ है और इसका आयोजन उलान बटार मंगोलिया में हुआ है और ये 15वां संस्करण था। महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं अजीत पवार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के गवर्नर हैं रमेश बैस। हाल ही में अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है? अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने अपना नाम बदलकर रखा है अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड। फेसबुक और इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी जिसका नाम है मेटा, तो मेटा ने माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम क्या है? इसका नाम है थ्रेड्स। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग यानी कि नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट का जो नया अध्यक्ष है किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप शाही को। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी रूप से विकसित इंडिजीनियस ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम सागर संपर्क का उद्देश्य क्या है? सागर संपर्क का उद्देश्य है समुद्र में नेविगेशन करना। पुस्तक कलर्स ऑफ डिवोशन के लेखक कौन हैं? कलर्स ऑफ डिवोशन के लेखक हैं अनीता भरत शाह। यूरोपीय संसद में किस भारतीय राज्य में हिंसा रोकने के आह्वान का प्रस्ताव 13 जुलाई 2030 को पारित किया, इसमें भारत ने आंतरिक मामला बताकर खारिज कर दिया है? तो ये है मणिपुर। जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसीनो पर टैक्स 18% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 18% से बढ़ा के 28% कर दिया गया है। टाटा सन्स कंपनी ने किस देश में यूरोप की सबसे बड़ी बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने का ऐलान किया है? तो टाटा सन्स कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में यूरोप की सबसे बड़ी बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने का ऐलान किया है। तो ये थे जनवरी 2023 से अगस्त 2023 तक के करंट अफेयर जिसमें हमने आपको रिवीजन करवाया, और ये वीडियो का सेट नंबर 1 है। टोटल 10 वीडियो आएंगे यानी टोटल 1000 क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम अकेडमी।